नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित मतलब मेंसुरेशन का हर एक टॉपिक कवर करेंगे। पहले चतुर्भुज क्षेत्रफल पढ़ेंगे त्रिभुज का, उसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे, उसके बाद गोला वृत्त सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का, यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए, ए ए ए लिखा है और बीच में क्या है, एच ऊंचाई है। अब इसका देखिए क्षेत्रफल परिमाप कैसे निकलता है। परिमाप के लिए तीनों भुजाओं क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ए प्लस ए प्लस ए बराबर थ्री ए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट थ्री अपान फोर ए स्क्वायर। अब एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देना है कि देखिए, ये भुजा है और ये क्या है, ऊंचाई है, और भुजा और ऊंचाई का अनुपात जो होता है वो 2:√3 होता है। यहाँ पे लिखा है भुजा ए और ऊंचाई एच में अनुपात 2:√3 होता है। इसके बाद देखिए विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएँ अलग अलग होती हैं। इसमें देखिए परिमाप से नहीं, पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहाँ ए बी सी क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई है। अब देखिए यहाँ पे यस आ रहा है एक फैक्टर, यस यस बराबर कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि टू यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे हम लोग। अब देखिए अन्य जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज आ गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो केवल आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया है, तो 1/2 आधार गुणे एच। ठीक, उसके बाद देखिए दो भुजाएं ज्ञात हों, आपको कोई भी दो भुजा ज्ञात हो और बीच का कोण यहाँ का ज्ञात हो, ठीक, तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2। जैसे इन दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा जो हो जाएगा वो आधार गुणे ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, और 1/2 तो क्षेत्रफल में रहता ही है, तो 1/2 और दोनों भुजाओं का गुणनफल और साइन थीटा से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल इस तरीके से आता है कि प्रत्येक वृत्त जो है अन्य दो वृत्तों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तथा प्रत्येक वृत्त के केंद्र से होते हुए एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो इस जो यहाँ पे रंगीन किया गया है यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो इस तरीके से चित्र बनाएंगे, और समबाहु त्रिभुज है तो यानी भुजा ए ए ए होगी, तो भुजा जब ए ए होगी तो आधा जब करेंगे तो ए बाई टू हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। ज्यों ए बाई टू आया, त्यों हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम क्या करेंगे, ए बाई टू गुड़े ए बाई टू, और कोष्टक में देखिए यहाँ पे याद करेंगे त्रिभुज के यहाँ वाला कोण 90 डिग्री होता है। क्यों याद करेंगे, याद केवल करेंगे बस, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है और हर कोण 60 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे हम याद करने के लिए पाई बाई टू मानेंगे, तो पाई बाई टू का भी रोल इसमें होगा। और उसके बाद एक चीज़ और याद करेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर √3/4a² होता है, तो एक √3 मिलेगा हमको और एक पाई बाई टू, तो कोष्टक में √3 − π/2 हो जाएगा। ये आपका सूत्र होगा इसका, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल a/b कोष्टक में a/2 × a/2 कोष्टक में √3 − π/2, ठीक है। अब चलते हैं आगे कुछ अन्य। देखिए समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का मतलब जानते हैं क्या होता है, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण, यही नियम होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात अगर निकालना होगा तो ऊंचाई के क्षेत्रफल के ऊंचाई के वर्गों के बराबर होगा। जैसे A1 अनुपाते A2 बराबर H1 अनुपाते H2, तो इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक, कोई भी समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल में अनुपात अगर निकालना हो तो उन ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए, जैसे यही त्रिभुज मान लीजिए है, यही त्रिभुज मान लीजिए आपका है। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार देखिए पूरा लेते हैं 30। ठीक है, और शीर्ष ए देखिए शीर्ष है, यहाँ पे कभी कभी कोण का मान देता है इसलिए शीर्ष। तो मतलब ये केवल जानकारी के लिए है कि आधार लेना हो तो पूरा लेंगे और शीर्ष ए होता है, बस इससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। और समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया है आपको, दो क्षेत्रफल दिया है कि समरूप दो, मतलब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 20 और 22 और एक ऊंचाई दिया है 5, तो दूसरी ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। समद्विबाहु क्षेत्रफल, समद्विबाहु मतलब देखिए ए है और ए बी है, मतलब दो भुजा क्या होगी, बराबर होंगी। दो भुजा बराबर होंगी तो ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4a² माइनस बी, इसको याद करने टेक्निक है 4a² माइनस b² अंडर रूट में, और यहाँ पे b बाई ए से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b बाई ए अंडर रूट 4a² माइनस b, और इतना है तो रहेगा ही, हाइट में भी इतना रहेगा, बस b बाई ए की जगह 1/2 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जिसमें a त्रिभुज की समान भुजाएं तथा b तीसरी भुजा होती है। अब देखिए इस तरीके से एक त्रिभुज दे देगा, उसकी भुजा की लंबाई दे देगा और इसके केंद्र से यहाँ पे 3 क्या करेगा, वृत्त खिंचवा देगा, और आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कि वृत्त के बाहर जो है, वृत्त के बाहर क्या है, यही तो है, त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल बताना है जो वृत्तों के अंदर शामिल नहीं है। अब देखिए त्रिभुज के उस भाग का वृत्तों के अंदर ये शामिल नहीं है तो इसको निकाल देना है, क्षेत्रफल आपको बताना है, ये जो भीतर रंगे हुए हैं इसी का क्षेत्रफल बताना है। अब ये बताइए, जैसे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, मान लीजिए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का हम क्या करते हैं, अगर घटा देते हैं, ठीक, पूरा अगर घटा देते हैं, नहीं, इस पार्ट का और इस पार्ट का और इस पार्ट को घटा देते हैं तो ये बाहर वाले क्षेत्रफल आ जाएंगे, नहीं, बहुत आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में हम क्या करते हैं, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ है, और माइनस, अब देखिए ए पार्ट और ए पार्ट, इसमें से हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो ये तीनों पार्ट अगर मिलाया जाए तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री का मतलब है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का सूत्र होता है πr² / 2, यानी इसमें से πr² / 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस πr² / 2 अगर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज में पहला आयत, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होता है और 90° का कोण होता है। परिमाप जो होता है 2l + b, क्षेत्रफल होता है l × b, और विकर्ण अगर यहाँ पे खींचेंगे, मान लीजिए विकर्ण है तो यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से विकर्ण बराबर निकालेंगे तो √l² + b² आ जाएगा, यानी भुजाओं के वर्गों के योगफल का वर्गमूल हो जाएगा। और p² = 4d² + 8a, जहाँ a एरिया है, a विकर्ण है, a परिमाप है, तीनों एक ही में,
अब देखिए किसी आयत में ये मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बन रहा है, सम चतुर्भुज। अगर इसका पूछ लिया क्षेत्रफल तो पूरे का क्षेत्रफल बटे दो कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, और कहीं पे भी खर्च अगर निकालना है, ठीक है, कहीं पे भी खर्च निकालना है जहाँ तार हो, तो तार का परिमाप निकाल लेंगे और उसी में मूल्य से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और तार की लंबाई ही तार का परिमाप होगा, दूरी लंबाई ये सब परिमाप होता है। उसके बाद देखिए एक आयत जिसका परिमाप 70 है, परिमाप 70 लिख लिए, और क्षेत्रफल 300 है, क्षेत्रफल 300 लिख लिए। विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, यानी एल इंटू बी यानी क्षेत्रफल बराबर 300 दिया है और 2L प्लस बी 70 दिया है, तो एल प्लस बी 35 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद आपका जो आएगा, ठीक है, वर्ग करने के बाद आपका एक्स का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा एक आयत है जिसकी लंबाई 16 है, चौड़ाई 12 है, ठीक, तो उसमें दो सेंटीमीटर के व्यास, दो सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने अधिकतम गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके का प्रश्न जब आएगा तो हम n बराबर लिख देंगे, आयत रहेगा ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और ये दो सेंटीमीटर व्यास वाला जो रहेगा तो बटे डी और बटे डी कर देंगे, लेकिन इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग, अगर दशमलव आएगा तो पूर्णांक वाला ले लेंगे क्योंकि गोला दशमलव नहीं होता है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें कोष्टक कोष्टक को ही हल करें, मतलब इसको इसको हल करें और दशमलव में आए तो पूर्णांक लिखें, ठीक है। अब देखिए रास्ता वाला प्रश्न कैसे निकलता है, रास्ता वाला प्रश्न है और आयत वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही है, इसकी लंबाई 20 दे दिया है, ठीक, इसकी चौड़ाई 10 दे दिया है, और ये 2 मीटर का रास्ता है, तो इसमें देखिए हमको यही केवल रास्ता चाहिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग से सोचिए कि पूरा अगर क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसको घटा देते हैं, तो बचेगा कौन, यही तो बचेगा। अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस बीच वाले को हटा देते हैं, केवल रास्ता ही तो बचेगा, तो रास्ता का ही तो क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से घटा देंगे किसको, ए बी सी डी को घटा देंगे, और कोई सूत्र नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। देखिए कैसे, मान लीजिए 20 दिया है, 10 दिया है, तो टोटल दे ए वाली दूरी जो होगी, दो इधर जुड़ जाएगी, दो इधर, 22 हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी, 24 गुड़े इधर की, देखिए 10 दिया है, 10 दो 12 दो 14, ये आपके बड़े वाले की आ गई। अब इसमें से आपको घटाना है 20 गुड़े 10 को, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा गया है इसको भी देख लीजिए, जैसे L L इतना है और x x जुड़ जाएगा तो L प्लस 2x, और इधर देखिए B प्लस 2x, तो B प्लस 2x का गुणा करेंगे तो बड़े वाले का निकल जाएगा, और छोटे वाले का L इंटू B घटा देंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यही आपका सूत्र होता है, तो घट बाहर भीतर वाला। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x, जो जितना है, जैसे x है, x किलोमीटर का या मीटर का, x मीटर का रास्ता है, 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x, ठीक, 2x l प्लस बी प्लस माइनस 2x, प्लस मतलब अधिक मतलब बाहर, माइनस मतलब अंदर, और कॉन्सेप्ट से भी लगाएंगे तो बाहर हो चाहे अंदर आएगा। अब देखिए अगर खर्च वाला प्रश्न हो तो रास्ते का क्षेत्रफल
तो रास्ते के क्षेत्रफल में देखिए, मैं केवल क्षेत्र रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालना होगा, मतलब रास्ते का परिमाप वरिमाप नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं देखिए केवल क्षेत्रफल के बारे में पढ़े हैं रास्ते के। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल कर मूल्य से गुणा कर देंगे तो खर्च आपका आ जाएगा। अगर तार वाला रहता है परिमाप, रास्ता वाला रहता है तो क्षेत्रफल। अब उसी तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से भीतर जो है लंबवत सड़क है, अंदर जो है एक दूसरे के समांतर अगर हैं, ठीक, तो इस तरीके अंदर समांतर है, जैसे लंबाई समांतर है और चौड़ाई के समांतर रोड बना हुआ है, तो लंबवत दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, लंबवत काटते हुए दो रास्ते हैं, ठीक। तो अब इसका क्षेत्रफल अगर मान लीजिए निकालना हो तो इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये 20 दिया है और ये 2 दिया है, तो 20 दूनी 40 आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। आपका 5a दिया है और 2 5a दिया है और 2a दिया है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और टोटल जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। लेकिन आपका जो है ए वाला जो है ए भाग, कौन सा भाग, ए वाला भाग दो बार आया है ना, ए वाला भाग दो बार आया है ना, एक बार इसमें भी एक बार इसमें भी, तो ये 2 × 2 2 × 4 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर हमको ए वाला पूछे शेष क्षेत्रफल, ठीक, तो टोटल क्षेत्रफल 20 × 25 100 हो जाएगा, और ये रास्ते का क्षेत्रफल 46 घटा देंगे तो 54 हमारा क्या आ जाएगा, 54 केवल जो है इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का आएगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर आपको याद करना है तो जहाँ पे एक्स था वहाँ, जहाँ पे 2x था वहाँ पे एक्स एक्स कर दीजिए और यहाँ पे एल प्लस बी कर दीजिए, और रास्ते को छोड़कर शेष सभी वाला देखिए ए वाला है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। अब देखिए वर्ग या स्क्वायर की बात करेगा, चारों भुजा बराबर होती हैं, विकर्ण निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ए रूट 2 आ जाएगा। अभी देखिए कैसे आता है, परिमाप देखिए क्या होगा, परिमाप चारों भुजाओं का योगफल 4a, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ए स्क्वायर, विकर्ण ए रूट 2 कैसे आएगा, विकर्ण बराबर यही है और ए ए है, ए ए है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ऐसे आएगा तो ए रूट 2 आ जाएगा, तो विकर्ण बराबर ए रूट 2 आ जाएगा। अब इसी विकर्ण बराबर ए रूट 2 का अगर वर्ग कर देते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग किया गया है, नहीं दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो विकर्ण का स्क्वायर ए का स्क्वायर 2, तो ए का स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल है, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए बाई दबे भूल जाएं तो विकर्ण बराबर ए रूट 2 अगर पता है तो उसी का वर्ग करेंगे तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 बराबर क्षेत्रफल याद आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए है वर्ग, वर्ग में मध्य बिंदु को अगर मिला रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वर्ग का बटे 2 कर देंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बटे 2। और यहाँ पे देखिए वर्गों का क्षेत्रफल है a1 बटे a2 बराबर a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र ही वही होता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको, तो दोस्तों देखिए अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो क्या करना होगा, जैसे देगा कि चार वृत्त हैं जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और चारों के केंद्र से क्या किया जाता है, एक वर्ग का निर्माण किया जाता है, और उसके बीच में जो ए स्थान है इसी स्थान का क्षेत्रफल निकालना है यही कहेगा। तो देखिए याद करने की टेक्निक क्या होगी, सबसे पहले देखते हैं ए आपका वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ए है ए है ए है, तो आधा a/2 हो जाएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये चीज़ जो है ये r के बराबर लग रहा है कि नहीं, यानी a/2 बराबर r है, ये तो आपको दिमाग में रखना ही है। उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जब हम समबाहु त्रिभुज में लगा रहे थे तो वो हालांकि 60-60 होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री याद किए थे, क्योंकि π/2 क्या था, सूत्र में था। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये चतुर्भुज है तो ऐसे डायरेक्ट ले जाइए 180 डिग्री जो है
यहाँ पर लिखा भी गया है कि 180 डिग्री केवल याद करने की टेक्निक है, यानी 180 डिग्री इस सूत्र में आएगा जब इस तरीके का चित्र रहेगा। एक चीज़ ये याद आपको हो गया, और आपको याद हो जाना चाहिए कि चार तो क्या है, वर्ग में चार भुजा है या चार वृत्त हैं, तो क्या आएगा, चार भी इसमें आएगा। तो चार आएगा और 180 का मतलब पाई आएगा, और आर स्क्वायर इसलिए आएगा कि ये देखिए ए बाई टू गुड़े ए बाई टू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बाई टू गुड़े ए बाई टू और फोर माइनस पाई भी कर सकते हैं, और यही ए बाई टू और ए बाई टू जो है, यही ए बाई टू और यही ए बाई टू क्या है, आर के बराबर है, तो आर इंटू आर बराबर फोर माइनस पाई हो जाएगा इस तरीके के प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरीके का प्रश्न आएगा तो इसको सूत्र से नहीं लगाएंगे, इसको कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ठीक है। अगर चार वृत्त हैं उसमें आपका बन रहा है, उसके केंद्र से क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, और उनके बीच में एक छोटा सा गोला है और इसी का पी क्यू यानी व्यास निकालना है, ठीक, तो इसी का पी क्यू निकालना है। तो अब देखिए ये वर्ग है, ठीक, वर्ग की ये क्या है, ये विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण में से अगर इतना और इतना घटा दिया जाए, ठीक, वर्ग के विकर्ण में से इतना और इतना घटा दिया जाए तो इसका मान निकल जाएगा, नहीं, और जो ए है वो ए बाई टू है या कह सकते हैं कि आर है, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपको भुजा पाँच दे दी है, ए बराबर पाँच दे दिया है, ठीक, और पी क्यू बराबर पूछ रहा है आपसे, तो सबसे पहले आपको पूरा चाहिए, ठीक, पूरा का मतलब क्या है, विकर्ण आपको चाहिए, यही तो चाहिए, तो विकर्ण देखिए विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, ए बाई टू, यहाँ पर देखिए हल किया गया, तो पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू बराबर विकर्ण, विकर्ण हो गया, विकर्ण में से अगर इतना भाग, देखिए यहाँ से विकर्ण में से अगर इतना भाग और इतना भाग घटा दें तो इतना आ जाएगा, नहीं, तो विकर्ण में से क्या क्या है, ए पी है और प्लस क्यू सी है, इन दोनों को जोड़ के और घटा दिया जाए तो इतने का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए विकर्ण को ए रूट टू लिख दिए, क्योंकि विकर्ण बराबर ए रूट टू होता है वर्ग का, और ए पी देखिए कितना हो जाएगा, इसके बराबर है ना, आर के या ए बाई टू के बराबर है, तो ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिख दीजिए, चाहे आर प्लस आर लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, चाहे आर प्लस आर लिख दीजिए, चाहे ए बाई टू प्लस ए बाई टू लिख दीजिए, और इन दोनों को इतने का योग और इतने का योग देखिए आपका ए के बराबर होगा, ए बाई टू प्लस ए बाई टू ए हो जाएगा, और ए बराबर दिया कितना है, ए बराबर दिया है पाँच, तो केवल यहाँ पे पाँच रख दीजिए, यहाँ पे देखिए ए का डायरेक्ट मान रख दिए, ए का मान कितना है पाँच, तो पाँच पाँच दस और नीचे दो बटे पाँच, पाँच हो गया, और इधर फाइव रूट टू हो जाएगा, तो फाइव रूट टू माइनस वन, यही देखिए व्यास का मान आ जाएगा, ए ए रूट टू माइनस वन, कहने का मतलब इस तरीके के प्रश्न में रूट टू माइनस वन यहाँ पे ज्ञात कर लीजिए, रूट टू माइनस वन याद कर लीजिए, रूट टू माइनस वन याद कर लीजिए, केवल ए का मान अगर पाँच दिया है तो इसी को ला के यहाँ पर रख दीजिए, ए का मान यहाँ पर रख दीजिए केवल, और रूट टू माइनस वन याद कर लीजिए, ठीक, चाहे कॉन्सेप्ट से चलिए तब भी कोई बात नहीं। अब देखिए दूरी जो होता है, दूरी परिमाप ही होती है, अगर चाल और समय का कहीं पे किसी भी प्रश्न में मेंसुरेशन में दिया रहे तो उसका गुणनफल जो होगा वो दूरी के बराबर होगा, और वही दूरी परिमाप होती है। अब इसमें देखिए एक बड़ा वर्ग है, दो छोटे वर्ग हैं, इनका जो है क्षेत्रफल दिया है और इसका क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो देखिए परिमाप पूछ रहा है, ठीक है, परिमाप पूछने के लिए ए चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर के बराबर होगा, यही तो होगा। अब ए स्क्वायर बराबर देखिए 64 हो जाएगा, 144 प्लस 144, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा,
तो ए का मान निकल जाएगा, तो 4a का मान नहीं निकल जाएगा। इसी तरीके से परिमाप, क्षेत्रफल जो भी निकालना हो। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ गया है, जैसे यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है, उसके बाद फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे काटा गया है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं, ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वन, यानी 90 डिग्री माइनस वन, क्या होगा पाई बाई टू माइनस वन, ठीक है, पाई बाई टू माइनस वन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे देखिए किसी प्रश्न में अगर m का मान दिया हो, h का मान दिया हो और t का मान दिया हो, और आपसे प्रति सेकंड कार्य पूछ लिया हो, तो प्रति सेकंड कार्य देखिए स्थितिज ऊर्जा बटे t कर देंगे, एम जी एच बाई टी, और टी को हमेशा सेकंड में लेंगे, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का, मतलब ए प्लस ए, क्योंकि भुजाएं सभी समान होती हैं, फोर ए जो होता है इसका क्या होता है परिमाप होता है, सभी भुजाएं सम चतुर्भुज की बराबर होती हैं, तो फोर ए परिमाप यानी फोर गुड़े भुजा, और क्षेत्रफल क्या होगा, एक ए देखिए है विकर्ण, एक ए विकर्ण, दोनों विकर्णों का गुणनफल इंटू बटे दो, डी वन इंटू डी टू बटे दो, और क्षेत्रफल निकालना होगा तो ए स्क्वायर साइन थीटा भी इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए स्क्वायर साइन थीटा भी होता है। अब देखिए सम चतुर्भुज में अगर कोई मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो आयत बन जाता है, पूरे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बटे दो कर लेंगे। अब बताइए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, डी वन इंटू डी टू अपान टू से निकाल लेंगे या ए स्क्वायर साइन थीटा से निकाल लेंगे। अब एक देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आता है, अगर d1 बराबर 24 दिया है, d2 बराबर 10, तो d1 बराबर 24 पूरा है, d2 बराबर 10 पूरा है, तो इसका आधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12 और 5, तो इसका मान भुजा का मान अपने आप निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज, आज गलती हो जा रही है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में दो क्रमागत कोणों के, अब देखिए क्रमागत की बात करेगा तो जैसे समांतर चतुर्भुज ए बनाए, तो क्रमागत मतलब ए है उसके बाद ए है, अल्फा ए बीटा, अल्फा और बीटा का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, दो क्रमागत मतलब क्रम से चलते जाइए, ए ए 180 डिग्री, या कहें ए ए 180 डिग्री, या कहें ए ए 180 डिग्री, तो क्रमागत कोई भी ले सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्णवत स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए वो तो आपका बात हो गया उस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज है, अगर इसकी बात किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है, ये अल्फा हो गया ये बीटा, लेकिन अगर ऐसे आमने सामने विकर्णवत बात किया जाए तो ये अगर अल्फा है तो ए भी क्या होगा अल्फा ही होगा, ये बीटा है तो ये भी क्या होगा बीटा ही होगा, विकर्णवत जो होगा आमने सामने बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के वर्गों का योगफल, एक चीज़ ये याद रखना है भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो एक भुजा मान लीजिए एक्स है एक वाई है, तो भुजाओं के वर्गों का योगफल तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चार भुजा होती है ना, तो भुजाओं के वर्गों का योगफल जो होता है विकर्णों के वर्गों का योगफल, यानी विकर्ण पहला है डी वन स्क्वायर प्लस दूसरा है डी टू स्क्वायर, तो इसके क्या होता है बराबर होता है, ठीक, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर मान लीजिए दोनों भुजा दिया है और एक विकर्ण दिया है तो दूसरा विकर्ण यहाँ से अपने आप निकल जाएगा, या दोनों विकर्ण दिया है एक भुजा दिया है तो दूसरी भुजा यहाँ से अपने आप निकल जाएगी। तो परिमाप क्या होता है यक्स प्लस यक्स वाई प्लस वाई, यानी टू एक्स प्लस वाई, और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आधार गुड़े ऊंचाई, आधार गुड़े
ऊंचाई, जैसे मान लीजिए आधार 20 दे दिया है और ऊंचाई 10 दे दिया है, तो 20 गुणे 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल एक होते हैं एक्स वाई इंटू साइन थीटा, और अभी हमने बताया कि भुजा के वर्गों का योगफल और विकर्ण के वर्गों का योगफल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, यहाँ से आप अगर इसको जोड़ेंगे 2x² प्लस 2y² आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x² प्लस y² d1² प्लस d2² कर देंगे। अगर 20 और 10 मान दिया है तो देखिए दोनों भुजा पता है और एक विकर्ण पता है तो एक विकर्ण पता चल जाएगा, और दोनों विकर्ण पता है और एक भुजा पता है तो एक भुजा पता चल जाएगी, तो कुछ भी यहाँ से निकाला जा सकता है। तो समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, इसमें देखिए दो समांतर भुजाएं होती हैं, सबसे पहले ये बात है, समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं होती हैं, यहाँ पे ए बी और डी सी जो है समांतर भुजाएं हैं, और ए क्यू जो होती है इनके बीच की दूरी होती है, और ए डी और बी सी जो होती है अन्य दो भुजाएं होती हैं या अन्य दो असमांतर भुजाएं होती हैं। अब जैसे a बराबर 30 और b बराबर 20 दिया है तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो इन दोनों को जोड़कर बटे आधा करके इसको गुणा कर देंगे आ जाएगा, यानी a प्लस बी बाई टू इंटू एच होता है। लेकिन इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है कि a भुजा आपकी दोनों बराबर हो, कहेगा कि दोनों असमांतर भुजाएं बराबर हैं। अगर a कह दिया कि दोनों असमांतर भुजाएं बराबर हैं तो ax और x बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ए 8 दे दिया है और ए भी 8 दे दिया है तो ए दूरी और ए दूरी आपस में हमेशा बराबर होगी, इसको ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। दोनों को x x मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये दे दिया 20, ठीक, और ए दे दिया 8, ठीक। तो हमको हमसे ए दूरी अगर मान लीजिए पूछ लिया, ये दूरी तो मान लीजिए ऊपर वाले बराबर ही होगा, ये पूछेगा नहीं, चलिए छोड़िए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा है दो भुजा है, ठीक, इसमें जो है ए वाली भुजा एक 8 दे दिया एक 6 दे दिया, ठीक, और ये मान लीजिए 20 दे दिया और ये 20 दे दिया, ये पूरा 72 दे दिया है। तो अगर ए जितना होगा उतना ही ए भी होगा, सबसे पहली बात, इसमें भी ए जितना होगा उतना ही ए भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे कह दिया जाए कि ए भुजा 8 है ए भुजा 6 है, तो जान जाइएगा कि ए और ए आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक। अगर इसको मान लीजिए आप एक्स मान लेते हैं तो 72 में से सबसे पहले 20 घटाइए, 52 बच रहा है, 52 में से इतने को आप एक्स मान लिए हैं तो इसको 52 माइनस यक्स मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 52 माइनस यक्स मानेंगे। और अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो 20 और यक्स और 52 माइनस यक्स को जोड़ेंगे तो 72 के बराबर हो जाएगा। किसी समलंब में यदि दोनों असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है, दोनों असमांतर भुजाएं कौन है, एक ए है एक ए है, इनके मध्य बिंदुओं को, ठीक, मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, लीजिए मिला दिए, मिलाया जाए तो प्राप्त रेखा की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई, मतलब इस रेखा की लंबाई पी क्यू जो होगी समांतर भुजाओं यानी ए और प्लस बी बाई टू होगी, मतलब इस लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई के योगफल का आधा होगा। मान लीजिए अगर ये 20 है और ये मान लीजिए 30 है और इसका मान आपसे पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, 20 और 30 को जोड़ देंगे 50 और 50 का कर देंगे आधा, तो ये 25 का हो जाएगा, ठीक, डायरेक्ट। अब देखिए समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं इस तरीके से नहीं लगाएंगे हम, इस तरीके से लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 और 30 हैं, ठीक,
और असमांतर भुजाएं 6 और 8 हैं। अब देखिए असमांतर भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट तुरंत लग जाएगा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जब ये 6 है ये 8 है दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यक्स वाला फार्मूला जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, 6 और 8 दे दिया है तो प्रश्न तो खत्म हो गया, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, तो ए अगर यहाँ तक 20 होगा तो यहाँ भी 20 होगा। अब देखिए 30 में से 20 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10, 10 बचेगा, तो एक तरफ का यक्स मान लेंगे दूसरे तरफ का 10 माइनस यक्स मानेंगे, दोनों बराबर कभी नहीं होगा कि 20 यहाँ हो गया और बचा 10, तो 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ तब होगा जब यहाँ पे अगर 8 रहे यहाँ पे भी 8 रहे, अगर दोनों बराबर रहेगा तो 20-20 उतर जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा आधा आधा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आधा आधा इसलिए नहीं करेंगे कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ 20 का 20 उतरेगा, उसके बाद 20-30 में से 10 बचेगा, तो एक तरफ यक्स हो जाएगा, एक तरफ 10 माइनस यक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए एच होगा और ए एच होगा, तो यहाँ से एच एच स्क्वायर निकलेगा, 2 एच स्क्वायर निकलेगा, दोनों एच स्क्वायर को बराबर करेंगे, दोनों एच स्क्वायर को बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाता है, देख लीजिए उसको कैसे। अब देखिए एच स्क्वायर, अब इस 6 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 68 प्लस 10 का वर्ग मतलब 10 दहम 100 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 × 10 × x, यही तो आएगा ax² से कट जाएगा, x का मान आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक, इसका मान आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, समांतर विविध के दो विविध देखिए है, विविध समांतर चतुर्भुज है, ठीक, समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं को दे दिया गया है, एक भुजा 36 है एक भुजा 27 है, ठीक है, और दोनों छोटी भुजा के बीच की दूरी 24 है। अब देखिए एक 36 है और एक 27 है, छोटी भुजा कौन है, 27, यानी छोटी भुजा के बीच की दूरी यानी 27 और 27 वाले के बीच की दूरी 24 है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, और इस देखिए बड़ी भुजा के बीच की दूरी एच पूछ रहा है, ठीक। तो हम समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो सबसे पहले देखिए आधार हम 36 लेंगे, तो 36 पे ऐसे ऐसे करिए, देखिए 36 पे आके कौन गिरा है, 36 पे आके एच गिरा है, तो 36 गुणे एच कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, 27 को ऐसे ऐसे करिए, तो 27 पे देखिए कौन आके गिरा है, 27 पे आके 24 गिरा है, तो 27 × 24 कर दीजिए, यहाँ से एच का मान आपका क्या होगा, निकल जाएगा। और इस तरीके का प्रश्न अगर आ गया, देखिए एक आयत दे दिया है, ठीक, इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ दिया होगा, और आयत के लंबाई को 4 बराबर भागों में क्या कह रहा है, बांटने के लिए कह रहा है, ठीक, और उसके बाद यहाँ से सी पर लंब डाला जाता है पी और क्यू से, और इसी पी क्यू सी का मान पूछ रहा है, त्रिभुज पी क्यू सी का मान आयत का क्षेत्रफल पूरे का निकाल के 1/8 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 8 × 32 हो गया, और 32 में 1/8 का गुणा करेंगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जब 4 बराबर भागों में बांटा रहेगा तभी। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे त्रिभुज पी क्यू सी का अगर क्षेत्रफल पूछे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार यही लंबाई है और ऊंचाई बी दिया है आपको, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1/2 तो लिख दिए, और आधार जो है यल लंबाई है, लेकिन हमको जो है इसमें क्या लेना है, लंबाई का 4वां भाग लेना है केवल, क्योंकि L/4 किए हैं, 4 बराबर भागों में बांटे हैं, तो L/4 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक, इंटू बी ले लेंगे, तो 1/2 L × B, 1/2 × L/4 बी, तो 1/8 L/B आपका क्या आ जा रहा है, आंसर आ रहा है। तो वही आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये 5 बराबर भागों में बटा होता तो यहाँ L/5 लेते, अगर 6 बराबर भागों में बटा होता तो यहाँ L/6 लेते,
तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम 100% याद रखना है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम निकालेंगे 1/2, और आधार लंबाई के बराबर होगा, और यहाँ पे लंबाई का चौथा भाग लिया जा रहा है क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो L/4 × B हो जाएगा। और देखिए मिट्टी बिछाएगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे, मिट्टी अगर बिछाएगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए रास्ता है, रास्ता का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, और इसी रास्ता पे क्या बिछाया जाएगा, मिट्टी, और जब मिट्टी बिछाया जाएगा तो उसका भी क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। लेकिन अगर तार लगाएगा तो परिमाप निकालेंगे, क्योंकि तार ऐसे ऐसे लपेटा होता है तो एक परिमाप घेरता है, ठीक। और एक क्वेश्चन आता है चाप बराबर क्या होता है, तो देखिए चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या और कोण का गुणनफल। तो चाप यल बराबर, ये चाप यल यही होता है, यल बराबर, चाप यल बराबर कोण गुणे त्रिज्या, चाप यल बराबर कोण गुणे त्रिज्या होता है, ठीक। धन्यवाद दोस्तों, इसके आगे अगले पार्ट में।